الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے. دعا ہے اللہ ساڈے سب دی طرفوں میرے اور تساڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے. قبولیت دی گھڑیے دعا کریے کہ جتنے بھی اپنے احباب عزیز جس جس بیماری چ جس جس مقام تے مبتلا نے، اللہ اپنی رحمت دے نال سب نو مکمل صحت یاب فرمائے. اور اس دے نال نال یہ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک نو ہر قسم دے نقصان دے کولوں محفوظ فرمائے. ملکی حالات بہت خراب ہوئے پئے نے، اللہ اگے دعا ہے اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے اور میرے ملک دے باسیاں نو آپس اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. اور جو بھی ملک پاکستان دے نال مخلص نہیں، اللہ انہوں تباہ و برباد فرمائے. جو اس وطن عزیز دے نال مخلص ہے، واقعتاً جس دے دل دے اندر اس ملک دی محبت ہے، اس ساڈے کول تے پیمانہ نہیں، اے تے رب ہی جاندا ہے، اللہ او دے کولوں زیادہ تو زیادہ کم لے لے تے اللہ اس ملک دے اندر بہتری فرما دے. قابل قدر احباب ذی وقار، مرد اور عورت نو ایک رشتے دے اندر پرون واسطے، مرد اور عورت نو گناہ تو بچان واسطے اسلام دے اندر ساڈے دین دے اندر نکاح دا طریقہ موجود ہے. اسلام نے نکاح نو متعارف کروایا. پہلیاں امتاں شریعتاں دے اندر بھی اے طریقہ موجود سی. نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے اہل کتاب انہاں طریقیاں تو ہٹ گئے سن، انہاں دے اندر بہت بڑے غلط طریقے آ چکے سن کہ جنہاں دے نال بے حیائی عام ہو رہی سی. اسلام نے انہاں تمام غلط طریقیاں نو ختم کر کے نکاح والا طریقہ متعارف کروائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح انبیاء دی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی نکاح کیتے،
और एदा तज़करा अल्लाह दे कुरान पाक दे अंदर मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा तमहीद दे अंदर अगर तमहीद बांधदियां बांधदियां चलदा जावांगा तो वक्त काफ़ी चाहिए। मैं इत्थों ही अपनी गल का आगाज़ करना कि अल्लाह दे तमाम अंबिया ने निकाह किया। निकाह इतनी बड़ी खूबसूरत सुन्नत है कि अल्लाह दे अंबिया ने भी निकाह किए। और कितने लिखे है कुरान पाक का 13वां सिपारा ते सूरत अर्रौद। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। फरमाया वाला कद अरसलना रुसुलम मिन कबलिका वजअलना लहुम अज़वाजा अज़वाजं व ज़ुर्रियतन व मा काना लिरसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बि इज़्निल्लाह लिकुल अजलिन किताब। अल्लाह फरमांदे ने अलबत्ता तहकीक असा जिन्ने रसूल तुहाडे तो पहले भेजे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वजअलना लहुम अज़वाजं व ज़ुर्रियतन असा उन्हां दियां बीवियां भी बनाइया ते उन्हां दियां औलादां भी बनाइया। और अगे फरमाया व मा काना लिरसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बि इज़्निल्लाह। फरमाया किसे रसूल नूं असा इख्तियार नहीं दिता, किसे रसूल ने वस दे अंदर नहीं, अपनी मर्जी दे नाल ओ अल्लाह दी तरफों कोई निशानी लोगों नूं दिखा दे, अपनी मर्जी दे नाल लोगों के सामने को मौजज़ा पेश फरमा देवे। फरमाया किसे नबी दे वस दे अंदर नहीं इल्ला बि इज़्निल्लाह। नबी जदों भी कोई मौजज़ा निशानी कौम के सामने बयान करता है वो अल्लाह दे अमर दे नाल अल्लाह दी मर्जी दे नाल उहदे अंदर हथ नबी दा हुंदा, कुदरत अल्लाह जुल जलाल दी हुंदी है। इस आयत दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने अंबिया दे निकाह दा और अंबिया दियां औलादां दा तज़करा बयान फरमाया है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने चार चीज़ा अल्लाह दे नबिया की सुन्नत है, चार चीज़ा अल्लाह दे अंबिया की सुन्नत है। वह चार चीज़ा केड़ियाँ? सब तो पहले मेरे आका फरमाते ने अल्लाह दे सारे नबी हया वाले सन, अल्लाह दे सारे नबी शर्मो हया दे पैगर सन। नंबर दो मेरे आका फरमाते ने खुशबू अल्लाह दे सारे नबिया नू बड़ी पसंद सी। ते नंबर तीन अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने मिसवाक अल्लाह दे नबिया नू बड़ी पसंद सी, मिसवाक नबी करदे हुंदे सन। ते नंबर चार मेरे आका फरमाते ने निकाह तमाम अंबिया दी सुन्नत है, ये निकाह अंबिया दी सुन्नत है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत दे रावी ने आंदे ने कि तीन आदमी अल्लाह दे पाक पैगंबर दे हुजरे मुबारक दे अंदर आए ने। ते हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा हुजरा है। ते तिन्ना आने वाले ने तीन मुख्तलिफ सवाल किए ने नबी पाक की इबादत के मुतलक। इन्होंने पूछे है मेरे पाक पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा अर्ज़ कर दियाँ ने आने वाले अल्लाह दे पाक पैगंबर इस तरह इबादत करते ने, आप इन्ना गु क्याम करते ने, आप इस इस दिन का रोज़ा रखते ने। माँ जी ने नबी अली सलाम की इबादत के मुतलक आगाह फरमा दिता है। ये तीन ही आते ने असी तो गुनाहगार हाँ, असी तो खताकार हाँ। अल्लाह दे पाक पैगंबर तो बख्शे हुए ने, अल्लाह दे नबी का तो गुनाह ही कोई नहीं, अल्लाह दे पाक पैगंबर की तो खता कोई नहीं। अगर हजूर इन्नी इबादत करते ने सा
सानू ते हजूर तो बहुत ही करनी चाहिदी है। इन्हां दे विचों एक आंदा है, अल्लाह दी कसम अज तो बाद मैं नमाज ही पढ़ता रहांगा, अज तो बाद आंदा मैं सारी सारी रात क्याम करांगा। दूसरा कहन लगा कि मैं रोज़े ही रखांगा, मैं कोई रोज़ा छड़ांगा नहीं, मैं रोज़े ही रखता रहांगा। तीसरा आंदा मैं निकाह नहीं करांगा, मैं शादी नहीं करांगा। जाहरे निकाह होएगा, औरत घर आएगी, बीवी घर आएगी, अल्लाह औलाद देवेगा, मामलात बढ़ जाएंगे। ते मैं इन मामलात दे अंदर फिर जनाब पै जावांगा, मैं इबादत जड़ी है वो खुशू खजू दे नाल बेफिक्र होके नहीं कर सकता, इस वास्ते मैं निकाह नहीं करना। इन्हां तिन्नां बंदियां ने एक गल्लां कीतियां ने ते नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा दे हुजरे तो वापस चले जांदे ने। नबी अली इस्लाम घर आए ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं दस्या जांदा है, नबी अली इस्लाम ने इन्हां तिन्नां सहाबियां नूं बुला लिया है। हुण बुला के ना नबी अली इस्लाम कहिंदे ने, अंतुमुल्लज़ीना कुलतुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अस्काकुम व अतकाकुम लहू लकिन्नी असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली वो वाता जवा जुन्ने सा। मेरे आका फरमाते ने, ए आने वाले हो तुसा ए गल्लां कीतियां सन, जी जी हजूर असा ए गल्लां कीतियां ते इस वास्ते कीतियां। मेरे आका फरमाते ने, मैनू अल्लाह की कसम है प्यारे हो, मैं तुहाडे सारिया तो बहुता अल्लाह तो डरन वाला वा, मैं तुहाडे तो बहुता मुत्तकी हाँ, मैं तुहाडे तो बहुता तकवे वाला वा। लेकिन गल सुन लो, मैं अल्लाह का नबी रोज़ा रखना भी हाँ, रोज़ा छड़ भी लैंदा वा, मैं रात क्याम भी करना वा, तो सौ भी जाना वा। तो फिर मेरे आका फरमाते ने, व आता जवा जुन्ने सा, तो मैं निकाह भी किते ने, ये नहीं मैं दुनिया तो बेरगबत हो गया, मेरिया बीवियां भी ने, मैं ये भी मामलात निपटाना वा। तो सुन लो, फमन रखे बा अन सुन्नति फलईसा मिन्नी, जिन्हें मेरी सुन्नत तो मुँह मोड़िया वह मेरा ही नहीं, वह मेरे नाल तल्लक नहीं। आ निकाह दे खुतबे ते असी हदीस पढ़ने आ, अम निकाह हो मिन सुन्नती फमन रगबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ए निकाह साडे नबी दा तरीका है, ए निकाह साडे नबी दी सुन्नत है। मेरे आका फरमांदे ने, जेड़ा इस सुन्नत तो मुंह मोड़ लवेगा ओदा मेरे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। और अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दे कुरान दे अंदर ये बात मौजूद है, अल्लाह दे कुरान दे अंदर ये बात दर्ज है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, निकाह करो, निकाह करना अल्लाह दे कुरान दे अंदर मौजूद है, अल्लाह दा हुक्म भी है। सूरत नूर पारा 18वें अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, व अन के हुल आयामा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादकुम व इमाएकुम इन यकूनु करा आयुगनी के मुल्ला मिन फजले ही वल्लाह वासियुन अलीम। अल्लाह फरमांदे ने, व अन के हो निकाह कर दियो, कौन जेड़े बेनिकाह मर्द ने ते बेनिकाह औरतां ने तुहाडे अंदर। और अगे फरमाया, व सालिहीन मिन इबादकुम व इमाएकुम गुलामां दे नाल, या गुलाम लौंडियां दे नाल, लौंडियां होन या गुलाम होन। फरमाया निकाह कर दियो, अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने, इया कोनो फुकरा आयुगनी के मुल्ला गो मिन फजले ही। अगर कोई फकीर है ना, अगर कोई तंग दस्ते, अल्लाह निकाह दी बरकत दे नाल गनी कर देवेगा, अल्लाह निकाह दी बरकत दे नाल इन्हां नूं वसायल अता फरमा देवेगा। वल्लाह वासियुन अलीम, अल्लाह बड़ी वसत वाला है, अल्लाह जानन वाला है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजल फरमा के निकाह की अहमियत नु वाज़े फरमा दिता। फरमाया बेनिकाह मर्द ने या औरता ने, इन्हों का निकाह कर दियो, अगर इन्हों को वसायल नहीं, अगर कोई इन्हों को रोज़गार नहीं, अल्लाह निकाह की बरकत दे नाल रोज़गार अता फरमा देगा, अल्लाह अपना करम कर देगा, अल्लाह इन्हों ते अपना फजल कर देगा। और हर साहबे इस्तताद नु शादी का हुक्म अल्लाह दे कुरान ने दिता है,
और हजरत सैयदना मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने मेरे आका अली सलातो वसलाम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने कि तीन आदमी ऐसे ने कि उन्हां दी मदद अल्लाह करदा है, तिना बंदियां ते अल्लाह खैर करदा है, अल्लाह इन्हां दी मदद करदा है। वह तीन बंदे किहड़े किहड़े ने? अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, यह रवायत तिरमजी दे अंदर 1655 नंबर हदीस है, मेरे आका फरमांदे ने अल मुकातबुल लजी युरीदुल आदा, ओ गुलाम जेड़ा अपने मालक आका नाल मुकातबत कर लैंदा है, लिखत पढ़त कर लैंदा है। गुलाम अपने मालक नूं कहिंदा है कि मैं तेनूं इन्ने पैसे दे देंगा ते क्या तू मैनूं आजाद कर देगा? ऐ लिखत पढ़त हो गई है अपने मालक दे नाल। मालक कहिंदा है तू इन्ने पैसे मैनूं कमा के दे दई ते मैं तेनूं आजादी दे देंगा। मेरे आका फरमाते ने फिर यह गुलाम मेहनत करके अपनी आजादी वास्ते फिर जदों ये जद्दोजहद करता है मेहनत करता है अल्लाह इहदी मदद करदे ने, अल्लाह इहदे वास्ते आसानियां दे रस्ते खोल देंदे ने। फिर नबी अली सलाम फरमाते ने वन ना के हुल्लाजी युरीदुल अफाफा, ऐसा निकाह करने वाला जेड़ा पाक दामनी चाहता है, जेड़ा गुनाह तो बचना चाहता है। मेरे आका फरमाते ने जदों ये निकाह का प्रोग्राम बनांदा है, ये निकाह करदा है, अगर इहदे कोल वसाइल नहीं, अगर इहदे कोल रोजगार नहीं, इहनूं परेशान होने की लोड़ कोई नहीं। नबी अली सलातो वसलाम फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल एदी आप मदद फरमा देंगे। नंबर तीन वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, जेड़ा बंदा दिलों हो के अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद वास्ते निकलदा है अल्लाह एदी भी मदद करदे ने। आ तीन बंदे ने जिन्हां दी मदद रब करदा है, हदीस नूं सामने रख के और हदीस ते 100% यकीन करके अगर बंदा निकाह करे कि अल्लाह मेरे माली हालात बेहतर फरमा देगा। कायनात दे इमाम ने फरमाया इस शख्स की मदद अल्लाह आसमान ते करदा है। साड़ी सोच फहम गलत हो सकता है पर काबा दे रब की कसम है मेरे सोने की जुबान चो निकली गल गलत हो सकती नहीं हो सकती। असा सोच के कभी शादी की कदों में असी पहलो रोज़गार का सोचने कि मुंडे का रोज़गार बेहतर होना चाहिए, कुड़ी वाले सोचते हैं भी मुंडे को रोज़गार हो फिर असी रिश्ता दईए। असी यह सोच के शादी करने ता साढ़े ते खैर दे दरवाजे नहीं खोलते। अगर हदीस सामने रख के निकाह शादी की जाए अल्लाह की कसम रब खैर कर देंदा है, अल्लाह बरकत कर देंदा है। और आओ एक होर हदीस नबी अली सलाम दी, निकाह नबी पाक नू पसंद, हदीस पाक दे अंदर मौजूद है। हजरत अनस इस रवायत दे रावी ने नबी अली सलाम फरमाते ने हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया कुम सलास, आका फरमाते ने तीन चीज़ा मैनू दुनिया ते बड़िया पसंद ने और उन्हां चों नबी अली सलाम ने पहले नंबर ते फरमाया आप फरमाते ने बन्ने साऊ मेरिया बीवियां जेड़िया मेरे निकाह अंदर आईया ने मैनू उन्हां नाल बड़ी मुहब्बत है। नंबर दो आप फरमाते ने अतीबू मैनू खुशबू नाल बड़ी मुहब्बत है। नंबर तीन आप फरमाते ने कुर्रा तो आई नहीं फिर सलाद सियाबा। तीसरे नंबर ते नमाज मैनू बड़ी पसंद है क्योंकि नमाज मुहम्मद दियां अखां दी ठंडक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए तीन चीज़ां साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बड़ियां पसंद। और मेरे अजीजो इस्लाम दे अंदर रिश्ते दा मियार जो इस्लाम ने मुकरर कीता है आओ जरा इहदे ते गौर करो। मुस्लिम दे अंदर 1467 नंबर हदीस है, रावी कौन ने? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, जग्गा दे पीर अली सलाम फरमांदे ने अद दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरातु सालिहा। मेरे आका फरमाते ने दुनिया सारी फायदे का समान है लेकिन दुनिया के अंदर सब तो नफे वाला फायदे वाला सौदा ये वे कि अगर इंसान नू नेक बीवी मिल जाए ये घर नेक औरत आ जाए फरमाया ये तो नफे वाला सौदा है ही कोई नहीं। नबी अली इस्लाम ने नेक बीवी नू और नेक आपस के अंदर रिश्ता तय करने वाले नू नफे का सौदा करार दे दिता है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद
दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत साद बिन अबी बकास रजी अल्लाह तआला अनहु इस रवायत दे रावी ने यह रवायत सुनन तिरमिजी दे अंदर 1084 नंबर हदीस है बयान करते ने औलादे आदम दी खुशबख्ती तिना चीज़ा दे अंदर है और औलादे आदम दी बदबख्ती तिना चीज़ा दे अंदर यानी तिना दे अंदर खुशबख्ती और तिना चीज़ा दे अंदर बदबख्ती है उन्हें तिना तिना चीज़ा का तज़करा फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने नेक बीवी इंसान वास्ते खुशकिस्मती का सबब है फिर मेरे आका फरमाते ने अच्छी रहायश अच्छा अपना घर जेड़ा है ये औलादे आदम वास्ते जिन्हों नसीब हो जाए ये वास्ते बड़ी खुशकिस्मती की बात है फिर मेरे आका फरमाते ने अच्छी सवारी बड़ी खुशकिस्मती की गल है एक रवायत के अंदर चौथी चीज़ का तस्करा यानी गवांडी का तस्करा भी मौजूद है नबी पाक फरमाते ने कि चंगा गवांडी भी खुशबख्ती की अलामत है दुआ करो अल्लाह चंगा गवांड सब नू नसीब फरमाए गवांडियां दा मौजू नहीं मैं करांगा बयान किते बाद बंदे दे गवांडियां तो नक नक तंग हुंदे ने आपने फरमाया नेक अच्छा गवांडी इंसान दी खुशकिस्मती दी अलामत अच्छी सवारी खुशकिस्मती दी अलामत है तुहानू पता है सवारी भैड़ी होवे राह जांदिया बंदे नू परेशान करे तो बंदे नू बड़ा गुस्सा चढ़दा है बंदे नू बड़ा वट हुंदा है बंदा जनाब उहदे तो नको नक आ जांदा है औरत चंगी ना होवे बंदा घर आवे ये सारा दिन आंढ गवांढ छाला मारदी रहे बंदा घर आवे सिर बन के बह जाए तो कवे सवेर दी मैं उठी नहीं ये भी नीरी नहूसत हुंदी है इस तरह मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अच्छा घर खुशकिस्मती दी अलामत है बंदा मकान किराए ते होवे टेंशन रहिंदी है परेशान रहिंदा है कि यार मैं इहदा किराया देना है मेरा जाती घर कोई नहीं मेरे बीवी बच्चियां दा सिर लको कोई नहीं आपने फरमाया अगर चारे चीज़ां मौजूद ने ते इहदी खुशकिस्मती है ते बदबख्ती चारा चीज़ां दे अंदर औरत दा नेक ना होना सवारी दा अच्छा ना होना अपना घर ना होना और फिर गवांडी दा चंगा ना होना नबी अली इस्लाम ने इन्हां चीज़ां दे अंदर औरत दा अच्छा होना नेक बख्ती दी अलामत बयान फरमाया है यानी औरत का नेक होना इस्लाम दे अंदर बड़ी अहमियत रखता है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है आओ हदीस पाक दे अल्फाज जरा सुनो मेरे आका फरमाते ने इज़ा खताबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्वजूहु इल्ला तफ़अलु तकुन फितना तुन फिल अर्ज़े वफसादुन अरीज़ुन। मेरे आका फरमाते ने जदो कोई ऐसा बंदा तुहाडे वल निकाह दा पैगाम करदा है जिदे अखलाक तो जिदे दीन तो तुहानू आगाही है पता है ये अखलाक दा बड़ा चंगा है ये बंदा दीनदार है बंदा नेक है ये बंदा ये जनाब अल्लाह अल्लाह करने वाला है अपनी जिंदगी दीन दे मुताबक गुजारन वाला है अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमाते ने ऐसा बंदा तुहाडे वल निकाह दा पैगाम भेज देवे इहदे नाल अपनी बेटी का निकाह कर दियो क्यों अगर इहदा इंतखाब नहीं करोगे ना अगर दीनदारी नूं मलहूजे खातर नहीं रखोगे आका फरमांदे ने जमीन फसाद नाल भर जाएगी जमीन फसाद नाल भर गई है कि नहीं भरी असी नेक नेक रिश्ते छड़ देने नमाजी परहेजी बच्चे छड़ देने किस वास्ते ये पढ़िया नहीं और साढ़े तो जनाब असी फिर वेने ना अगर बच्चा पढ़िया तो बच्ची भी वो जनाब म्यार के मुताबक होनी चाहिए अगर जनाब बच्ची पढ़ी है तो बेटा वो म्यार के मुताबक होना चाहिए हसब वेने नसब वेने खानदान वेने माल वेने सारा कुछ वेखो नबी पाक ने बयान फरमाया लेकिन चौथे नंबर पर फरमाया दीनदारी वे के निकाह कर लो अल्लाह खैरा दे बूहे ही खोल देंगे क्यों हुसन मुक सकता है दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन दीन ये खत्म नहीं हो सकता ये दीन दी वजह तो जेड़ा कीता गया रिश्ता है मेरे आका फरमांदे ने ये रिश्ता दुनिया ते भी बरकरार है ते कयामत दे दिन अल्लाह दी जन्नत भी बरकरार रहेगा आरजी सहूलतों वाल नहीं वेखना चाहिए
दीनदारी वेख के धी का पुत्र का निकाह कर देना चाहिए। हाँ वेखो जिथे सारिया चीज़ा वेंदे हो नाल इन्ना भी प्यार हो ख्याल करना चाहिए ये बच्चा दीनदार भी है कि नहीं, क्या इहदा दीन दे नाल भी कोई ताल्लुक है कि नहीं। बस दुनिया ही दुनिया वेखी जाना तो फिर असी नबी अली इस्लाम के अमर की हदीस की मुखालफत करने हैं। आओ एक और हदीस सुनो, हकीकी मियार है ही सिर्फ दीन है। और मैनू याद आया हजरत सैयदा माँ जी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक की सहाबिया ये रवायत सुनन निसाई के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया है इन्हों के वाल ना पैगाम भेजा बेवा हो गई खामद इन्हों का फौत हो गया इद्दत गुजरी ना तो इन्हों के वाल हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अनहो बनन वाले अजे मुसलमान नहीं होए अबू तलहा ने निकाह दा पैगाम भेजे है ते मां जी उम्मे सुलैम आंदियां ने अबू तलहा इहदे अंदर कोई शक नहीं तू हसब नसब वाला है तू खानदान वाला है और तू मालो दौलत वाला है लेकिन मेरा ते तेरा निकाह जायज़ नहीं हो नहीं सकता क्यों तू काफर है ते मैं अल्लाह दे नबी दी सहाबियां वा अपना तो जोड़ जोड़ ही नहीं सकता। हाँ मेरा तेरा निकाह हो सकता है अगर तू मुसलमान हो जा। अबू तलहा कहन लगे रजी अल्लाह तआला अनहु निकाह करना ही तो कर ते एडिया अगलिया गल्ला ना मैनू सुना। हजरत माँ जी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अनहा अर्ज कर दिया ने आंदियां ने अबू तलहा मैं कदों तेरे ते कुछ जबर करनी पई हाँ मैं ते तेनू गल मुकदी मुका दी है तुसी काफर हो असी मुसलमान हाँ सब मेरा तेरा निकाह नहीं हो सकता मैं नबी पाक दी सहाबियां वा ते अबू तलहा निकाह होना ना होना तेरा पता नहीं मुसलमान होना या ना होना ये तो अल्लाह नू ही पता है लेकिन मैनू एक गल दस वो जिहड़ा तेरा बुत है जिहदी तू इबादत करना ओ मक्के दे फलां तरखान ने नहीं कड़िया मक्के दे फलां तरखान ने लुहार ने नहीं कड़िया ओदी शक्लो सूरत फलां लुहार ने नहीं बनाई। हाँ अहे है ते इंजी है ते अम्मा जी उम्मे सुलैम अर्ज कर दियां ने जेड़ा अपने आप नू बना नहीं सकता वह तेरिया जरूरतां किवें पूरियां कर सकता और जिन्हों लुहार ने बनाया तरखान ने बनाया उहदे सामने जाके सिर सुट दे हो ते एक अल्लाह की इबादत छड़ के गैरां दे सामने जाके झुक दे हो कोई अकल दे नाखन लै। अबू तलहा गुस्से च आ गया कहन लगे तू चाहे तो मेरे नाल निकाह कर या ना कर लेकिन मैं तेनू इजाजत नहीं देंगा तू मेरे मबूद ते मेरे खुदा ते जनाब उंगली उठाए वो मुतलक गल बात करें। गुस्से दी अंदर आके लाल पीला होके अबू तलहा वापस चले गए ते घर जाके बैठे ने ते बस औकात घंटिया घंटिया की तकरीर भी असर नहीं करती ते कदी कदी एवें सकिंट दो सकिंट मिनटा का वाद ही असर कर जाता है ते जाके बह गया ते गुस्सा ठंडा होया ना कहन लगा अबू तलहा बाकी गल्लां बाद दियां पर गल सोचन वाली है ते तेरा मबूद है बनाया ते उन्हों एक लुहारे ने वे है वो किसे जोगा नहीं आप बना के खड़ा करके आप उदे ते टाकी शाकी रोजाना मारना है ते उदे सामने सिर सुटना है उम्मे सुलैम ने तेरे दिल ते दस्तखत दे दी है ये वाकई कासे जोगा नहीं। आ गया अबू तलहा उम्मे सुलैम दे कोल रजी अल्लाह तआला अन्हा आके अर्ज कर दे उम्मे सुलैम अगर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावा तो फिर तू मेरे नाल निकाह कर लवेंगी। माँ जी उम्मे सुलैम भी बड़िया हसब नसब वालिया ने बड़े आला मुकाम वालिया ने। माँ जी उम्मे सुलैम कहन लगियां हाँ फिर मेरा तेरा निकाह हो सकता है कहन लगा अगर मैं कलमा पढ़ लवा तो गवाह कौन बनेगा जामन कौन बनेगा मैं कलमा पढ़ लवा तू निकाह करन तो इनकार कर दे। माँ जी उम्मे सुलैम आंदियां ने अबू तलहा परेशान ना हो इस गल ते गवाह मैं आमिना दे लाल मुहम्मद नू बनानी आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला जा मेरे नबी को। अबू तलहा आ गया किदे कोल नबी पाक दे कोल हजूर अगर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावा ते उम्मे सुलैम नाल मेरी शादी फिर मुमकिन है। आपने फरमाया फिर ते मुमकिन है क्योंकि कहंदे ने मेरी गलबात होई है उम्मे सुलैम ने कलमा जेड़ा है ना शर्त ला दी है। नबी पाक ने गवाही दिती हाँ अगर तू कलमा पढ़ ले तो मैं निकाह पढ़ा देंगा। अबू तलहा ने कलमा पढ़े है हुण नबी पाक निकाह पढ़ान लगे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हक मैर की रखना है
ते उम्मे सुलैम अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे नबी जी मैनू ए दिया दौलतां दी जरूरत नहीं, एदा कलमा पढ़ने ही मेरा हक मैरे, एदा कलमा ही मेरा हक मैरे। और बाद अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने बयान करते ने मैं फखर करता हुंदा सी अम्मा जी उम्मे सुलैम दा हक मैर इस्लाम बने है, कलमा बने है, नबी पाक दा कलमा जदों अबू तलहा ने पढ़ लिया ए हक मैर अम्मा जी उम्मे सुलैम ने कबूल कर लिया। वो पहले लोग दीनदारी वेख के निकाह करते होंगे सी मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजल फरमाया है और इस बात का तस्करा जा बजा फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए मेरे महबूब जी अपनी जुबान मुबारक जो ऐलान फरमा दे। अल्लाह फरमाते ने अल खबी फरमाया खबीस गंदियां औरतां गंदियां मर्दां वास्ते, गंदे मर्द गंदियां औरतां वास्ते, नेक पकीजा औरतां पकीजा मर्दां वास्ते, पकीजा मर्द पकीजा औरतां वास्ते। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ लाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलूना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मुबर्रा ने ये लोग जेड़े लोग गल्लां करदे ने और जिन्हां ते उंगलियां उठांदे ने ये मुबर्रा ने जिन्हां ते उंगलियां उठाइया गई ने। क्यों लहुम मगफिरा तुम वारिज़कुन करीम। अल्लाह ने इन्हां लई मगफरत और वसी रिजक तैयार फरमा दिता है। ये आयतां जदों माँ जी आयशा ते तोमतां लगियां ना उदों अल्लाह ने नाजल फरमाइया। सोणिया जेड़े तोमतां लाण वाले ने ना जिन्हां ने माँ जी आयशा सिद्दीक तोमता लाइया थी तो आयशा पा के, क्योंकि गंदियां औरत गंदियां मर्दा वास्ते, भैड़े मर्द भैड़िया औरतों वास्ते, ना पाक औरत ना पाक मर्दा वास्ते, ना पाक मर्द ना पाक औरतों वास्ते। सोने आयशा भी पा के तुसी भी पाको, जे साडा नबी पा के तो नबी दियां बीवियां भी तो पाक ने ना। जो बकवास साथ करते ने फरमाया सानू इन्हां दी कोई गरज नहीं, ये अपना जनाब नामा माल सियाह काला कर देने करी रखन। और कुराने पाक दे अंदर अल्लाह ने नेक मर्दा दे नाल नेक औरतों के निकाह का तस्करा किया है, नेक औरतों के नाल नेक मर्दा के निकाह का तस्करा किया है। और जो रिश्ता अता ते रसूल ते कायम कर दिता जाए अल्लाह जुल जलाल की कसम है अल्लाह खैरा कर देंगे ने, अल्लाह उन्होंने रिश्तिया के अंदर बरकत फरमा देंगे ने। जदों रिश्ते अतात तकवे और जनाब परहेजगारी दीनदारी कायम हुंदे सी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है उदों बरकतां वी रिश्तियां चौंदियां सी और रिश्ते तोड़ निभदे सन। जदों तो असी तकवे नू पिछे कर दिता है, असी दीनदारी नू पिछे कर दिता है, तलाक दी शरा वध गई है कि नहीं? क्यों असी दीन नू पिछे करके दुनिया नू अगे लै आंदे। नबी अली इस्लाम दा परवाना आप नाल बड़ी मुहब्बत करदा है, हजूर दे कोल दीन सिखदा है, नाम की है जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हो, अंसारी सहाबी है। एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल बैठे ने ते नबी पाक ने मुहब्बत दे नाल फरमाया, आ फरमांदे ने या जुलैबीब अला ताता ज़वज, ऐ मेरे सहाबी क्या तू निकाह नहीं करेगा, तू शादी नहीं करनी? ते जुलैबीब नबी पाक दा सहाबी ऐ काला जिहा रंग है, मोटे मोटे नक्शनैन ने, खानदान भी कोई एडा जनाब अजीम नहीं, कोई एडा लोगों के अंदर मुतारफ नहीं, और रंग भी इन्हों का सियाह, रंग भी इन्हों का सफेद नहीं। ऐ सारिया चीज़ों के बावजूद सहाबी नबी पाक नूं पता की आंदा, अल्लाह दे रसूल जी मैनू भला किन्ने कुड़ी देनी है, मैनू किन्ने रिश्ता देना है, ना ना रंग ना नक्श ना नैन ना खानदान ना हसब नसब ना को बहुता रुपया पैसा, मैनू किसी ने रिश्ता कितों देना है? आप दोबारा फरमाते ने, आप फरमाते ने क्या शादी नहीं करनी? हजूर मैं तुहानू कह रहा भी मैनू भला किन्ने रिश्ता देना है? आपने तीजी बारी पूछया, सहाबी ने यही जवाब दिता है, जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमाते ने क्या तू रिश्ता करना चाहना है हजूर?
हजूर राधा दे है, लेकिन मैनू रिश्ता देना कोई नहीं। अब मैनू अपने आप से इंज जापदा कि जिमें मैनू कोई भी बेटी का रिश्ता देने लिए तैयार नहीं होएगा। नबी अली सलाम फरमाते ने, मेरे आका फरमाते ने, इज हब इला जा कल बैते मिनल अनसारे व कुल्लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे जुलई बीब रजी अल्लाह तआला अनहु, जा फलां अंसारी सहाबी दे घर चला जा, ते बुआ खड़काई जदों सहाबी मिले ना ते उन्हों जाके कहीं तेनू अल्लाह दा नबी सलाम कल रहे है, वाह किस्मत वाले आ तेनू नबी पाक ने सलाम भेजे है। जुलै बीब ने जाके दरवाज़ा खटखटाया, ये दरवाजे ते आया घर वाला, इनू जाके सलाम अर्ज कीता, नाल नबी पाक दा सलाम पेश कीता, ते नाल जाके पता की कहन लगे, अल्लाह दे आ बंदे आ मैनू नबी पाक ने भेजे है, तुसा नबी पाक नू दस पाई सी भी असा बेटी का रिश्ता करना है, नबी पाक ने मैनू घल्या ही अपनी बेटी का रिश्ता मैनू दे दे। कह लगा अच्छा रुक, मैं घर दी नाल गल करना, सलाह भी तो होंदी है ना, ते जाके बेटी का बाप कहन लगा अपनी बीवी नू, अल्लाह वालिए नबी पाक नू कहा सी कोई रिश्ता वेख्या जे, ते बेटी का निकाह करना है, रिश्ता करना है, ते हजूर ने एक बंदा घल दिता है, ते नक्शनैन भी कोई सोहने नहीं, रंग भी कोई एडा साफ नहीं, ना मालो दौलत, ना हसब नसब, ना कोई उच्चा खानदान है। ते बीबियां अगे ही इंज दियां हुंदियां ने, बीबियां फिर कित्थे पैर लगन देंदियां ने, ते ए अगवां दीए उन्हूं जाके कह दे असां तेरे नाल रिश्ता करना, ना 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 ये तो रिश्ता होना ही नहीं, वर्का ही पाड़ दिता है। सहाबी आ गए, इनू अर्ज करता भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं, ते बेटी घर सारिया गल्लां सुनन डई है, ते गल्लां सुन के अपनी माँ नू बुला लिया, ते बाप नू भी बुला लिया, पता की आंदी है, ऐ मेरे अबू जी, ऐ मेरी अम्मी जी, मैं वो किस्मतां वाली हाँ, किसी का रिश्ता बाप पसंद करता, किसी का रिश्ता माँ पसंद कर दीए, किसी का रिश्ता भैन ते भरा पसंद करते ने, चाचे ताए नानके पसंद करते ने, मैं वो किस्मतां वाली हाँ जिदा रिश्ता कायनात दे इमाम ने पसंद किया। नबी पाक दी ना फरमानी ना करो, जे नबी ने पसंद किया तो मैनू कबूल है, क्यों? कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया, वमा काना लिमोमिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान कर दिता है, नबी का हुक्म आ जाए किसे मर्द ते औरत नू इख्तियार नहीं, फिर वह अपनी मर्जी करन, ऐ मेरी माँ छड़ दे गल्लां, मेरे बाप छड़ दे ओ गल्लां, मैनू कबूल है, जदों नबी पाक ने पसंद फरमा ले है, खैर रिश्ता तय हो गया है, नबी पाक ने निकाह पढ़ाया है, ते नबी अली सलाम ने नाल दुआ दिती, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सुब्बन वला तजअल आयशा कद्दा। मेरे आका फरमांदे ने, अल्लाह इस बच्ची ते खैर ते भलाई दे बूवे खोल दे, अल्लाह इहदी जिंदगी तो मुश्किलां ते परेशानियां दूर कर दे। रावी बयान करदा है, जुलैबी रज़ी अल्लाह तआला नूं बयान करदे ने, आंदे ने दीन दी बुनियाद ते रिश्ता तय होया है, हजे थोड़े ही दिन गुजरे ने, मेरे कोल कोई ज्यादा पै मालो दौलत ते कोई नहीं सी, चंद दिन गुजरन दे नाल मदीने दे अंदर अंसार दे खांदे पींदे घरानिया दे अंदर मेरा शुमार हुंदा सी, ते मेरी बीवी नूं सहेलियां गल्लां करदियां सन वी फलां दे दिन बड़े सोहने गुजर, बड़ी सौखी है अपने घर, दीनदारी नू सामने रख के रिश्ता कीता है, अल्लाह ने मुश्किलां मुसीबतां परेशानियां तो बचा भी दिता है, तो खैरा दे दरवाजे भी खोल दिते ने। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करन वाला, आओ एक मुहद्दस बड़ा ही नबी पाक दी हदीस नाल प्यार करन वाला, उहदा वाकिया तुहाडियां झोलियां दी ज़ीनत करां, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला अलैह, अब्दुल्ला दे बाप दा नाम है मुबारक, मुबारक बिन वाज़े रहमतुल्ला अलैह, ए मुबारक बिन वाजे जेड़े ने ना, ये एक अपने मालक दे बाग दे अंदर काम करते सन, एदा फलां दा बाग है, अपने आका दे बाग दे अंदर मेहनत मजदूरी करते, पानी लांदे, खाद बनने दा खाल बनने दा काम करते, ते बाग दा मालक एक दिन बाग च आ गया, आके कहिंदा मुबारक लिया कोई फल तोड़ के, अनार तोड़ के लिया ते मैनू रस पिला,
ये फल तोड़ के ले आया नचोड़िया जदों मालक ने पीता तो खट्टा कहन लगा कोई होर फल लिया होर दाना लिया दोबारा दूसरा दाना लिया ये भी खट्टा तीजा भी खट्टा तो बाग का मालक कहिंदा मुबारक इन्नी देर हो गई है तेनों मेरे बाग च कम कर दें ते तेनों अजे तक इन्ना पता नहीं भी केड़ा बूटा खट्टा है ते केड़ा मिठा है ते मुबारक रहमतुल्ला लैंदे ने ए मेरे आका तुसी मैनू बाग का राखा बनाया सी चाखा नहीं सी बनाया इन्नी देर हो गई है तेरे बाग च कम कर दें पर मैं तेरे बाग का फल चख के नहीं हो वेखिया। इन्हें कहा यार एडे तकवे वाला बंदा फौरन अपनी बीवी को गया अपनी बेटी जवान है कोई गल नहीं गरीब है साढ़े बाग के अंदर नौकर है लेकिन है तकवे वाला है लीला हियत वाला है बड़ा ईमानदार है आप रिश्ता धी का कर दिए बीबी भी चंगी सी रिश्ता तय हो गया लो इस जोड़े दे विचों फिर अल्लाह ने मुहदसा दे विचों हदीस का मुहदस अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्ला लै पैदा फरमाए जदों रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर हो अल्लाह की कसम रब खैर ही खैर कर देंदे। आओ मैं गल मुकामा मैं एक किताब के अंदर वाकया पढ़िया ये वाकया मुहम्मद बिन साले उसैमैन रहमतुल्ला लै सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे ने अल्लाह उन्हां ते रहम फरमाए उन्हां दी एक किताब के अंदर मैं वाकया पढ़िया एक बंदे का नाम है गवर्नर नजमुद्दीन इस बंदे का नाम है उम्र इहदी बड़ी ज़्यादा हो गई है वडेरी उम्र हो गई है तो रिश्ता नहीं किया एक दिन वड्डा भरा गवर्नर नजमुद्दीन का जिहड़ा भरा है ना वड्डा इहदा नाम है असदुद्दीन ये अपने भरा नूं कहण लगा भरा तू रिश्ता क्यों नहीं करता तू शादी क्यों नहीं करवाता ते नजमुद्दीन आंदा वीरा कोई रिश्ता मैनू मेरे काबल नज़र नहीं आंदा मेरे काबल कोई रिश्ता मैनू ना नज़र नहीं आंदा भरा कहन लगा अच्छा तू हाँ कर रिश्ते बड़े फलां बादशाह फलां वजीर फलां फलां तगड़ा बंदा फलां फलां दियां बेटियां है ने अगर तू हाँ करे ते मैं रिश्ता लैके आना यह कड़ी गल है कि रिश्ता मैनू को जनाब मेरे मुआफक मुताबक नज़र नहीं आ रहा तू हाँ कर जे तू गवर्नर है गवर्नर की बेटी लै आना किसी बादशाह की धी लै आना तू हाँ तो करना तो भरा नजमुद्दीन आंदा वीरा असद असदुद्दीन मेरे वो रिश्ते मुताबक नहीं भरा कह लगा भी है एडे एडे खाते पीते तगड़े घर के रिश्ते तेरे मुताबक नहीं वजह की है तो नजमुद्दीन कह लगा वीरे आ मैं उस औरत की तलाश च जेड़ी औरत मैनू बाँ फड़ के रब की जन्नत दे अंदर लै जाए तो अल्लाह फिर उहदे चों मैनू पुत्र देवे उस पुत्र दियां तरबीयतां उहदी मां करे और वह जवान होकर शाह सवार बने तो अल्लाह उहदे जरिए मुसलमाना दा किबला अव्वल बैतुल मकदस जो फलस्तीन दे अंदर है उहनू आज़ाद करवाए तो भरा असदुद्दीन कहन लगा लै फिर तेरियां सोचां दे मुताबक रिश्ता हो गया किवें दियां कमलियां गल्लां करना इंज दी बीबी तेनू कित्थों लभेगी नजमुद्दीन अर्ज करदा भरा असदुद्दीन जदों नीयतां खालस होण ते रब टोला देंदा रब खैरां कर देंदा और एक दिन ना अपनी मस्जिद दे इमाम मुफ्ती साहब खतीब साहब दे कोल बैठे होए ने गल्लां बातां हो रहियां ने ते खतीब साहब मुफ्ती साहब दे कोल एक बच्ची आई है इस तरह करके पर्दे दे अंदर इन्हें आके आवाज़ दिती है उस्ताद जी मुफ्ती साहब शेख साहब मैं आई हाँ तुहाडे कोल एक अर्ज लैके तुसां मेरे वास्ते फलां एक रिश्ता भेजा सी लेकिन वह रिश्ता मैनू कबूल नहीं पुत्र वो तो रिश्ता बड़ा चंगा है खाते पीते लोग ने हसब नसब खानदान सारा कुछ ही है वे तेनू वह रिश्ता क्यों कबूल नहीं तो करमा वाली बेटी अर्ज कर दिए उस्ताद जी शेख साहब मैं वह रिश्ता हरगज़ कबूल नहीं करांगी मैं उस जगह पर रिश्ता करवाना चाहनी हाँ वह मेरा खामद बने जड़ा मैनू बाँ फड़ के रब की जन्नत लै जाए तो अल्लाह मैनू औलाद दे वे अल्लाह पुत्र देवे ओदियां मैं तरबीयतां करां ओ फिर शाह सवार होवे ते मुसलमाना दा किबला अव्वल बैतुल मकदस इनू यहूदियां दे कोलों आजाद करवावे मैं ऐसा रिश्ता चाहनी हां उस्ताद जी कहन लगे ऐसा रिश्ता किवें मुमकिन हो सकदा है ये नजमुद्दीन इंज कोल बैठा सारियां गल्लां सुनन डे है जल्दी करके कहन लगा मुफ्ती साहब शेख साहब ये रिश्ता मेरे नाल करवा दिओ इहदी सोच ते मेरी सोच रल
हल्दी मिलती है। मैं इंज का ही तो रिश्ता चाहना सा, मैं इंज के रिश्ते की तलाश के अंदर सा। उस्ताद साहब शेख साहब कह लगे नजमुद्दीन यार तू गवर्नर बनता है, मालो दौलत वाल है, यह फकीर की बच्ची, माड़िया की बच्ची, गरीबा की बच्ची, महल के अंदर इन्हों तो व्डा गरीब है कोई नहीं, तो तू ये रिश्ता करवा के की करेगा, लोग गल् करे। नजमुद्दीन कह लगा ए मेरी मस्जिद के खतीब इमाम साहब, लोग गल् करते हैं तो करते रहन, तुम गल चलाओ, ये रिश्ता मेरे वास्ते तय कर लो। खैर अमर मेरे अल्लाह का रिश्ता तय हो गया और आपस के अंदर निकाह हो गया। फिर अल्लाह ने इन्हों एक बेटा ता फरमाया जिदियाँ तरबीयत इस नेक खतून ने कीतिया ने। अवेख रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर होया है। गवर्नर ही वक्त का इन्हें मालो दौलत को तरजीह नहीं दी, दीनदारी को तरजीह दी है। इस औरत ने हसब नसब मालो दौलत को टुकराया, एक दीनदार बंदे दे नाल निकाह किया है। अल्लाह ने जेड़ा बेटा दिता है ओदियां तरबीयत कीतियां ने। फिर ये शाह सवार बने हैं जिन्हों लोग सलाहुद्दीन अयूबी के नाम तो याद करते हैं। बैतुल मकदस फलस्तीन के अंदर यहूदियों के कोलों आजाद करवाया तो सलाहुद्दीन अयूबी ने आजाद करवाया। अज असी गल्लां करने आ सलाहुद्दीन अयूबी जैसा को अल्लाह सानू भी दे दे, पर असी करन की डे आ। साडे बेटे ते बेटियां दी तरबीयत असी सिर्फ दुनिया ही कर छड़ी है। नेक रिश्ता आए कुड़ी भी अगों बहाने बनांदी है ते मुंडा भी अगों लखा बहाने बनांदा है। जदों रिश्ते दीन दी बुनियाद ते हुंदे सन रब खैरां करदा सी। अज असा दीन नू पिछे करके दुनिया नू तलीम नू मालो दौलत और हसब नसब नू अगे कर लिया, दीन नू ठुकरा दिता है। तलाक दी शरा भी वध गई है ते असी जलील भी होण डे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ गल मुक गई पिछले जुमे के अंदर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जिन्हों का तज़करा सुने है। अरब दा सखी अरब दा मालदार ताजर अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जिन्ना जंगे तबूक के मौके पर 5 किलो सोना नबी पाक नू दिता, 5 किलो सोना नबी पाक नू जंगे तबूक के मौके पर दिता। और वह नबी पाक का परवाना जिन्ना नबी पाक दियां बीवियां नू जेड़ा बाग नबी पाक दी मौते पाक तो बाद हिबा कीता ओदी मालियत 70 करोड़ रुपये है। 70 करोड़ रुपए का बाग जेड़ा नबी पाक दियां नौवां बीवियां दे नाम कर दिता नबी पाक तो बाद, कि इन्हां दे घरां दा निज़ाम इस बाग दे नाल चले, फल खान वेचन, नबी पाक दियां बीवियां नूं किसी किस्म की कोई परेशानी ना होवे। अपनी सकी भैन का रिश्ता करना है तो रिश्ता तलाश करने वास्ते निकले ने मस्जिद नबवी दे अंदर। एक काले जे रंग दा मोटे मोटे नक्शनैन ने नबी दा मुअज्जन बांगा बिलाल बैठा रज़ी अल्लाहु ताला अनहो। ते ऐ वेखो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जोड़ नहीं बनता, आप किड्डे मालदार ने ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अनहो गुलामियां च वेखदे वकांदे हजूर दे कोल आ गए। आ नबी पाक कोल दीन सिखदे रहे, मस्जिद च नमाजा पढ़न वाला, बांगा देन वाला, मस्जिद च अल्लाह अल्लाह करन वाला। अब्दुल रहमान बिन औफ ने अपनी भैन वास्ते मालदार का इंतखाब नहीं किया बल्कि नबी दे मुअज्जन बिलाल का इंतखाब कर लिया। मैं इनकार नहीं करता, माल वेखो, हसब नसब वेखो, खानदान वेखो, खूबसूरती वेखो, लेकिन खुदारा चौथी शह नू पिछे ना करिया। अज दीनदारी सब तो पहले नबी पाक ने फरमाया तिन्ने चीज़ां हसब नसब खूबसूरती माल तिन्ने खत्म हो सकते ने, लेकिन दीन दी बुनियाद ते रिश्ता होया होएगा अल्लाह दुनिया ते भी खैर कर देंगे, अल्लाह जन्नत च भी तुहानू कठियां कर देंगे। ऐ कुरान ने सानू दरस दिता है अपनियां बेटियां दा बेटियां दा निकाह करो, निकाह नबी पाक दी सुन्नत है। ये ना सोचो मुंडा कमाएगा तो फिर निकाह करांगे, और जनाब बेटी वास्ते रिश्ता तलाश करना है, मुंडे दा अगो कारोबार रोज़गार होवे तो फिर धी दा रिश्ता करना है। दीनदारी दी बुनियाद ते नेक रिश्ता चंगा खानदान वेख के भले मानस बंदे हत्तुल मकान बंदा कोशिश तो करदा ही है ना, धियां भैणा दा रिश्ता करना है। ये मां जमियां नूं बंदा सुटदा तो नहीं, जिथे सारियां कोशिशां करदे हो
थोड़ी जी कोशिश दीनदार, थोड़ी जी नहीं बल्कि बहुत ही कोशिश दीनदारी वाल करया करो। जदों दीन नू असी अगे रखांगे बाकी तीन चीज़ा पिछे कर देंगे। नबी पाक ने फरमाया अगर दीन की बुनियाद पर निकाह किया जाएगा अल्लाह इन्हां दी इमदाद करेगा, अल्लाह इन्हां ते जनाब खैर दे दरवाजे खोल देगा। इस हदीस नू सामने रख के निकाह करो, बेटी का करो, बेटे का करो, रिश्ता नेक वेख के करो। रोजगार फिल वक्त अगर नहीं भी है बच्चा नेक है, नशा नहीं करता, ये अंदर कोई खराबी नहीं, भैड़ी मजलस के अंदर नहीं बहिंदा, रिश्ता कर दो नेक निश्ती की बुनियाद पर करोगे अल्लाह आसमान तो खैर दे बूहे खोल देगा। अल्लाह पाक अगे दुआ है अल्लाह सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बेटियां दे बेटियां दे निकाह करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।